नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां बस्ती जिले के दुबौलिया में युवक का हाथ पैर बांधकर घर में बंधक बनाकर इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वही पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि विशुनदासपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय विजय यादव का शव जीवपुर गांव के रहने वाले विजय सिंह के घर में मिला है। ग्राम जीवपुर में खुशहालगंज के रहने वाले विजय कुमार यादव का शव विनोद सिंह के घर में पड़ा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विजय कुमार यादव और अभियुक्त विनोद सिंह दोनों पूर्व से परिचित थे और दोनों शराब पीने के आदी थे। रात में लगभग 11:40 पर विजय कुमार यादव कतिपय परिस्थितियों में अभियुक्त विनोद सिंह के घर में प्रवेश कर गया था, जिससे नाराज होकर के वही अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां मणिपुर में हो रहे दंगों के बीच महिलाओं के साथ अभद्रता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। वही विहिप की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने भी वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वालों को फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही साध्वी प्राची उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर बोलते हुए कहा है कि उत्तराखंड बना तब मुसलमानों की संख्या इतना नहीं था, लेकिन अब लगातार इनकी संख्या प्रदेश में बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब प्रदेश से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता तो इस बात की जांच करनी चाहिए कि कैसे मुसलमानों की संख्या प्रदेश में इस कदर बढ़ रही है। वही अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु जनपद पुलिस के स्तर से निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वही आम जनमानस को जागरूक करने के साथ ही उनसे नशे का कारोबार करने वालों की सूचना दिए जाने की अपील भी की जा रही है। साथ ही नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस के स्तर से पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, ड्रग फ्री देवभूमि जो है, इसके तहत जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस जो लगातार अपना काम कर रही है और हमारी जो एसओजी की टीम है उसको भी हमने लगातार ये ब्रीफ किया है कि ऐसे कोई भी सूचनाएं मिलती है या ऐसे कोई एनडीपीएस का या किसी भी अवैध चीज़ों का जो है तस्करी करता है, भंडारण करता है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसी के तहत जो है हमारी एसओजी टीम ने कल 500 ग्राम चरस जो है वो बरामद की है अगस्तमुनि क्षेत्र से, और इसमें अगस्तमुनि थाने में एक मुकदमा भी लिखा गया है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम योगी कल करीब 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। वही सीएम के आगमन पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। बताया जा रहा है कि साधु संत और जनप्रतिनिधियों से भी सीएम संवाद करेंगे। प्रोग्राम कल है दोपहर में, व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है अपनी व्यवस्थाएं करने में। कल बारिश के भी आसार हैं उसके दृष्टिगत भी, और अब बहुत धूप होगी उसके दृष्टिगत भी सारी तैयारियां कर ली गई, और सुरक्षार्थ जितनी भी संभव सिनेरियोज हैं सबको सोच करके विचार करके एक पुख्ता सुरक्षा का हम लोगों ने प्लान बनाया है वृहद, उसका हम लोग प्रॉपर क्रियान्वयन करवाएंगे और बहुत ही सकुशल इस यात्रा को सम्पन्न करवाएंगे। वो उसके सारे प्लान्स आउट है, लास्ट टाइम पे ही वो रिवील होंगे। वही अगली खबर जालौन से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद को पलीता लगा रहे हैं। दरअसल प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय बिना जानकारी दिए सीधे निरीक्षण करने पहुंचे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वही बीएसए द्वारा हड़काने पर बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बच्चों का ग्लूकोज चढ़ता वीडियो तेजी से वायरल हो रहा।
वही अगली खबर झांसी से है, जहां तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम खमा में निजी भूमि पट्टा धारक द्वारा एनजीटी के नियमों के विपरीत अवैध तरीके से खनन बदस्तूर जारी है। वही अवैध तरीके से हरे भरे पेड़ को काटने का मामला भी सामने आया है। वही जब इस मामले के संदर्भ में उप जिलाधिकारी गरौठा से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वही ऑफ कैमरा बताया कि पहले पूरे मामले को समझेंगे फिर बताएंगे। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मणिपुर में हुई घटना को लेकर एएमयू के छात्रों ने आज कैंपस में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में तरह तरह के पोस्टर बैनर लेकर भाजपा सरकार मुर्दाबाद, पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे से जमकर नारेबाजी की। वही इस प्रदर्शन के बाद छात्रों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से मणिपुर घटना पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमने प्रोटेस्ट नहीं निकाला है, ये हमारे दिलों की तकलीफ है। जो हम अपनी माँ बहनों की अजमतों को लूटा जा रहा है, उस तकलीफ को बयान करने आए हैं। ये हम कोई प्रोटेस्ट निकालने नहीं आए हैं। तो किस तरह बयान करते, क्या रखते हैं उसमें? मुल्क के हालात देखिए आप, मौजूदा सरकार कोई टिप्पणी नहीं कर रही। आज 78वां दिन है, 78 डेज पूरे हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक अल्फाज मणिपुर के लिए नहीं निकला है। देखिए, पिछले 2 महीने पुरानी ये घटना है। जैसे मणिपुर में हादसात पे हादसात हुए, घर के घर गिराए गए, लोगों की जान छीनी गई और बहुत बर्बरता के साथ एक दूसरे को मारा गया, दंगे हुए, सबको पता है मणिपुर में। लेकिन मणिपुर के अंदर जो दंगों के बीच में एक घटना जो सामने निकल के आई है, एक वीडियो वायरल होने के बाद एक लड़की को पुलिस कर्मचारी अपनी हिफाजत में रखते हैं और पुलिस कर्मचारी से छीन कर वो भगवा रंग के गुंडे उस लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और मादादा उनको नंगा करके पूरे घुमाया जाता है रोडों पे। तो ये इसकी हम निंदा करते हुए, इसकी घटना का विरोध करते हुए हम आज बाबसियत पे आए। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के पिहानी की चेयरमैन के वायरल वीडियो के मामले की जांच करने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला पिनाही पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित से भी बात की और बताया कि भविष्य में भी अगर उसे लगे कि उसके साथ गलत हुआ है तो अपने बयान देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पिहानी के चेयरमैन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक उनके पैरों के पास गिरकर अपने किए की माफी मांग रहा था। ये वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा रहा था कि सफाई कर्मचारी है, दलित वर्ग का है और किसी शिकायत पर उससे इस तरह का कृत्य कराया गया। हालांकि नपाप अध्यक्ष और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के द्वारा साजिशन वीडियो बनाए जाने की बात कही गई थी। युवक का कहना था कि चेयरमैन उसकी मां के समान है, इसलिए इस मामले में जब तुल पकड़ा तो मामले की जांच कराने आज डॉक्टर अंजू बाला पिहानी पहुंची थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज हमारे तक आई थी और उस समय मैं सोनभद्र में ऐसे ही केस में थी और ये मीडिया के माध्यम से मुझे न्यूज मिली कि हरदोई में भी ऐसा कुछ मैम हुआ, उसमें अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उस समय नॉलेज में आया ही नहीं था। फिर जब हमने देखा और हमें भी टैग किया गया था तो वो देखने में तो लग रहा था कि घटना हुई है और ये झुका हुआ है, माफी मांग रही है और दो लोग ये बोल रहे हैं, कस के बोलो। तो क्योंकि ये तो एक निंदनीय है कि आप आज के जमाने में भी ऐसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अभी जैसे हमने, क्योंकि मैंने प्रशासन से बात की, इमीडिएटली एक्शन हुआ और उन्होंने बताया कि मैडम वो लड़का एफआईआर कराने को तैयार नहीं है और कह रहा है कि वो मेरी माँ जैसी है। तो अगर उसको लग रहा है मेरी माँ जैसी है और माँ ने अगर कुछ कह दिया है तो हमें ये उससे मुंह से सुनना चाहते थे। अभी हमने कोशिश की, उससे बात की है, लेकिन उसका यही कहना है कि वो मेरी माँ जैसी है और उन्होंने मतलब मैं माफी मांग रहा था, मेरे से कुछ गलती हो गई। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां देर रात पुलिस आयुक्त दक्षिण कार्यालय के सामने एक महिला ने जमकर बवाल मचाया। एक कार सवार युवक परशने में धुत महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया, लेकिन सारे साक्ष्य और जनता के बयान महिला के विपक्ष होने के बाद भी पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में कहा सुनी होने पर दोनों तरफ से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सब कुछ जानने के बाद भी कितनी अनजान बन चुकी है पुलिस।
वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां जनपद में शरारती तत्व लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भीम आर्मी संगठन की होने वाली 27 जुलाई की महापंचायत को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल को जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजकर एक बार फिर माहौल को गर्माने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर पत्र की व्यापक स्तर पर जाँच भी कराई जा रही। बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाला एक व्यक्ति, संविधान को हाथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति कुछ सामंती लोगों को, असंवैधानिक लोगों की आंखों में चुभ रहा है, रड़क रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं अपने बहुजन समाज से, यही संदेश है कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि 100 दिन बकरियों की जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। और मैं अपने जितना भी हमारा वंचित मजदूर किसान बहुजन समाज है, मैं उसकी लड़ाई को निडर होकर लड़ रहा हूं। संविधान को लेकर जहां भी कोई घटना होती है, मैं न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं और समाज को न्याय हम लोग लगातार दिलवा रहे हैं। तो इसी कारण कुछ लोगों को वो बातें चुभ रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान से ऊपर उठकर सब चीजें हो जाए, तो वो असंभव है देश के अंदर। वही अगली खबर झांसी से है, जहां अघोषित बिजली कटौती के विरोध में थाना शाहजहांपुर क्षेत्र के ग्राम बकुआ बुजुर्ग में किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। हर जगह जहां देखो वहां बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है। गांव 24 घंटे में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली दी जा रही है। ज्यादातर गांव में किसान की खेती लगभग बिजली पर निर्भर है। बिजली ना आने से इस समय किसानों की धान की फसल नहीं लग पा रही, किसानों का हजारों लाखों का नुकसान हो रहा। इसके विरोध में आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष शाहजहांपुर सुदीप मिश्रा ने किसानों को संतावना देकर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से सही कराई जाएगी। वही अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और जनपद उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज जनपद उत्तरकाशी में मौजूद रहे, जहां उन्होंने आपदाओं पर अधिकारियों की बैठक बुलाई और बरसात को देखते हुए किसी भी हाल में मोबाइल बंद और कर्मचारियों की छुट्टी पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। वही जनपद में प्रभारी मंत्री को जोशियाड़ा क्षेत्र में भारी विरोध भी झेलना पड़ा। वही अगली खबर वाराणसी से, जहां 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने गोरखपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मछुआ समाज के सर्वहित के लिए उनका जीवन न्योछावर है। वही निषाद पार्टी मछुआ समाज के हितों के लिए बनी है। मछुआ समाज को विकास की अग्रणी भूमिका में लाना ही एकमात्र लक्ष्य है। वही अगली खबर जालौन से है, जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के तेवर बदले बदले से नजर आए। दरअसल जालौन पहुंचते ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर धावा बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश ने लोगों से बात करने के दौरान आरएसएस और बीजेपी को नफरत फैलाने वाला एजेंडा बताया। वही हाल ही में विपक्ष पार्टियों द्वारा बनाई गई नई पार्टी के बारे में लोगों को बताते हुए दावा किया कि इस बार इंडिया पार्टी ही जीतेगी और एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच कुछ छात्रों की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के बाद निलंबित किया गया। प्रदर्शन के बीच मौके पर पहुंची कैंट पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। बाद में कुछ छात्रों को कैंट पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। वही इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वही अगली खबर जनपद चमोली से है, जहां मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मींग नारायण बगड़ से है, जहां दो प्रोफेसरों के स्थानांतरण पर छात्र संघ और महाविद्यालय परिवार ने उन्हें विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान डॉक्टर हरीश जटेली ने
अपने संबोधन में कहा कि वह कदापि इस महाविद्यालय को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण उनको स्थानांतरण करवाना पड़ा। मैं हमेशा ही पहाड़ों में ही अपनी सेवाएं दूंगा, लेकिन इस समय परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है, अतः मैं विद्यालय परिसर में फलदार और छात्रदार वृक्षों का रोपण भी किया गया। वही अगली खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और परिसर को एएसआई सर्वे करने का आदेश भी दे दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। आज फैसला जो है 327 पे जो हम लोग की एप्लीकेशन जो पड़ी हुई थी, उन सारे एप्लीकेशन को स्वीकार किया है माननीय न्यायालय ने, और स्वीकार करने के बाद एएसआई को आदेशित कर दिया है कि आप इसकी जो है जांच करेंगे। हमारे एएसआई जांच की जो मांग थी कि आप इसके जो है परिसर के वैज्ञानिक जांच करिए और उसके नेचर स्वरूप और एज को आप डिफाइन करिए, पर ये जो है जांच करने के लिए उन्होंने जो है आदेशित कर दिया है। कितनी बड़ी जीत मानते ये हैं? बहुत बड़ी जीत है। इससे मुकदमा जो हम लोगों का चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये बहुत जल्द समाप्त होने की आसार, जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये मंदिर परिसर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।